आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है उसके थ्योरेटिकल क्लास को हम कराने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से हम क्लास को कराएंगे। कई बार होता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो होते हैं वो ओवर अप कर जाता है, माइंड से ऊपर चला जाता है। तो हम चाहते हैं क्या, उसको एक मतलब चैप्टर्स वाइज, जैसे जैसे यूनिट वाइज उसको किया गया वैसे वैसे उसको सॉल्व करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे मैंने पीछे में जो जितनी बार आप टेंथ से देखते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 पार्ट्स होते हैं, साइन कॉस टेन, ये सारी चीज़ तो बेसिक है। मैं आप सबसे पहले यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया गया वहाँ वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखिए, वहाँ सबसे पहले बताया गया क्या, एनसीईआरटी आप जब खोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th का, तो सबसे पहले आपको एक चीज पढ़ना पड़ता है जिसका नाम पड़ता है कोण, जिसका नाम क्या पड़ता है, एंगल। क्या नाम पड़ता है, एंगल। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एंगल क्या होता है, मतलब कि कोण किसको हम लोग कहते हैं, कोण क्या होता है। तो जैसे क्या होता है, कोण का निर्माण जो होती है वो कोण का निर्माण जो होता है वो दो किरणों के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है, तो किरणों के मिलने से बनता है। अब किरण क्या होती है कि किरण में ऐसा होता है, किरण कुछ इस प्रकार से होती है, इसका ये एक पॉइंट होता है और इसका ये एक पॉइंट होता है। इसको कहते हैं मतलब आगे बढ़ने वाला पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, प्रांत बिंदु, और इसको बोला जाता है मूविंग बिंदु या आगे बढ़ने वाली बिंदु। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये अगर एक प्रांत बिंदु है, ये अगर प्रांत बिंदु है, और दूसरा मैं ये एक किरण ले लूँ, दूसरा मैं ये एक किरण ले लेता हूँ, ये एक किरण ले लेता हूँ, और दोनों के प्रांत बिंदु को जब जब एक जगह पे हम सटा देंगे, ऐसे एक सटा देंगे तो बीच में एक झुकाव उत्पन्न होगा। तो जब इस दोनों के बीच, अब इसको हम सटा देंगे, दोनों के प्रांत बिंदु को एक जगह पे जब आप सटाओगे तो इसके बीच में कुछ झुकाव उत्पन्न होगा, और इसी झुकाव को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कोण कहा करते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब दो प्रांत बिंदु के बीच, सॉरी, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु एक स्थान पे मिलते हैं, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु एक स्थान पे मिलते हैं तब उनके मिलने से जो बीच में झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब दो किरणों के, जब दो किरणों के प्रांत बिंदु एक स्थान पे मिलते हैं, एक स्थान पर मिलते हैं तब दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कुछ झुकाव उत्पन्न होता है, कुछ झुकाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसे हम कोण या एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बेसिकली ये हमारा एंगल हो गया और ये दो किरण हो गए, इसके बीच में ये झुकाव उत्पन्न हो गया। मान लेते हैं ए है, ओ है और बी है, तो ए ओ एक किरण हो गया, दूसरा ए ओ बी एक किरण हो गया, और दोनों के बीच में थीटा एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है, और बेसिकली हम इसी को तो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब होता क्या है कि रेखा गणित में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव नहीं होता है। रेखा गणित में क्या होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है एंगल, लेकिन वहां पे क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो एंगल नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। रेखा मतलब, कहने का मतलब, अगर मैंने -30 डिग्री लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस का 30 ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये माइनस इसको बता रहा है कि दिशा इसका ऋणात्मक है। क्या है, दिशा को बताता है। तो जब इसमें होता क्या है, देखिएगा, इस दिशा को बताता है, लेकिन रेखा गणित में आप याद रखेंगे कोण हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रेखा गणित में, रेखा गणित की बात करें तो एंगल जो होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होते, एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, ट्राइगो का यानी ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो ये बनता कैसे है, इन चीजों को देखिएगा। अब होता क्या है,
कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो उसमें एक रेखा स्थिर होती है और एक रेखा क्या होती है, वो मूविंग करता है, जैसे ऐसे 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 मूविंग करते हुए रहता है, ऐसे मूविंग करता है। तो इस रेखा जो स्थिर रहता है भाई साहब, ये जो रेखा स्थिर रहता है, ये जो रेखा स्थिर रहता है इसे क्या बोला जाता है, और ये जो रेखा ऐसे मूविंग करती इसको क्या बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है जो बार बार ऐसे घूमने का प्रयास करती, हो सकता है ऐसे घूमती है, हो सकता है वो ऐसे भ्रमण करती है। तो जो घूमती है रेखा यानी जो भ्रमण करती है, हमने बोला भ्रमण करती है, उसी को परिभ्रमण रेखा कहा जाता है। जैसे ये स्थिर लाइन है और ये रेखा ऐसे घूम रही है, तो इसको परिभ्रमण लाइन कहा जाएगा और इसको स्थिर रेखा या आधी रेखा कहा जाएगा, इनिशियल लाइन इसको कहा जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जब हम एंगल बनाते हैं, तब एक रेखा स्थिर एवं एक रेखा घूमती रहती है। तो वह रेखा जो घूमती रहती है उसे परिभ्रमण या रिवॉल्विंग लाइन कहेंगे, घूमती रहती है। तो अब यहां पे देखिएगा, अब ये लाइन हुआ, जैसे मान लीजिए इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैंने घुमाया, तो ये जो घुमाने वाली लाइन हो गई इसको हम लोग रिवॉल्विंग लाइन कहेंगे, और ये जो रेखा स्थिर हो गया इसको हम लोग इनिशियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशियल लाइन कहेंगे, यानी ये घूमने वाली रेखा हो गई और ये जो लाइन हो गई वो स्थिर हो गई, इसको इनिशियल बोलेंगे और इसको रिवॉल्विंग, हिंदी में इसको परिभ्रमण बोलेंगे और हिंदी में इसको इनिशियल को आधी बोलेंगे। तो आपने क्या देखा कि वह रेखा जो स्थिर होता है उसे आधी रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह रेखा जो स्थिर होता है उसे आधी रेखा कहा जाता है, और वह रेखा जो परिभ्रमण करता है, जैसे ये रेखा अगर परिभ्रमण कर रहा है तो इसे परिभ्रमण रेखा कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक होता है हमारा घूमती रहती है, एक होता है आधी रेखा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, इनिशियल लाइन। तो लिखेंगे कि वैसी रेखा जो स्थिर रहती है उसे आधी रेखा कहा जाता है, वह रेखा जो स्थिर होती है। और दूसरी होती है भाई साहब आपका क्या, परिभ्रमण रेखा। एक होती है क्या, परिभ्रमण रेखा, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन। वह रेखा जो घूमती है वह क्या कहलाती है, परिभ्रमण रेखा कहलाती है। अब घूमने की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये आपका इनिशियल हो गया, अस्थिर है, और ये आपका रिवॉल्विंग कर रहा है, ऐसे हो सकता है ये रिवॉल्विंग ऐसे भी करे। तो रिवॉल्विंग जो होता है दो तरह से होता है, इसीलिए एंगल जो होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, एक बनता है आपका पॉजिटिव एंगल और एक बन जाता है नेगेटिव एंगल। यानी साइन ऑफ एंगल की हम जब बातें करेंगे तो साइन ऑफ एंगल दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा धनात्मक कोण और एक हो जाएगा क्या, ऋणात्मक कोण। तो आप साइन ऑफ एंगल पढ़ेंगे क्या बताता है, देखिएगा अब दूसरा चीज आता है अपना साइन ऑफ एंगल, मतलब क्या, एंगल के चिन्ह, कोण के चिन्ह। कोण का जो चिन्ह होता है भाई साहब, हमने बताया कि लाइन जो होता है ऐसे भी परिभ्रमण कर सकता है और ऐसे भी परिभ्रमण कर सकता है। तो अब बताएंगे कि कैसे परिभ्रमण करने पर वो ऋणात्मक बनाती है और कैसे परिभ्रमण करने पर वो धनात्मक बनाती है।
तो सबसे पहले क्या आता है, एक आता है धनात्मक कुंड, एक आता है धनात्मक कुंड जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और एक होता है भाई साहब आपका ऋणात्मक कुंड। एक क्या होता है ऋणात्मक कुंड, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नेगेटिव एंगल, क्या बोलते हैं नेगेटिव एंगल। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि परिभ्रमण रेखा क्या होती है, सॉरी धनात्मक कोण क्या बनता है और ऋणात्मक कोण क्या बनता है। तो हमारी जो घड़ी होती है, एक आपका जो चलता है वो क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, सी एल ओ सी के, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होती है क्लॉकवाइज और एक क्या होता है भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमारी जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी के दिशा में अगर हमारा परिभ्रमण रेखा चले, बात समझिएगा कि घड़ी के दिशा में अगर हमारा परिभ्रमण रेखा चले, जैसे मैं अपनी घड़ी को देखता हूँ तो हमारे ये अगर इनिशियल्स लाइन है तो ये हमारा घड़ी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रही, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर हमारी ये घड़ी है ऐसे, और ये मैं काटा ऐसे कर दूं तो हमारी घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर लाइन, ये जो इनिशियल्स लाइन है, अगर इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिए तो ये जो कोण बनेगा ये ऋणात्मक का कोण बन जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल दे भाई साहब, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे चलती है लेकिन ये अगर उल्टा चल दे, एंगल परिभ्रमण रेखा ऐसे चल दे, तो ये जो एंगल बनाएगा आपका पॉजिटिव एंगल बनाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, घड़ी की जो दिशाएं होती है, अगर आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए वॉच है और मैंने वॉच को यहाँ पे ये ऐसे इनिशियल्स लाइन ये मान लिया, यानी आधी रेखा ये मान लिया, और परिभ्रमण करने वाली रेखा मैंने ये मान लिया। तो ये अगर घड़ी के उल्टा दिशा में अगर ऐसे चल रहा है तो धनात्मक कोण बनाएगा, कैसा कोण बनाएगा धनात्मक, कैसा बनाएगा धनात्मक बनाएगा। लेकिन यही लाइन अगर घड़ी के दिशा में चलने लगे तो ये कोण जो बनेगा वो ऋणात्मक कोण बन जाएगा। आप याद रखेंगे कि अगर घड़ी के दिशा में कोण चल रहा है परिभ्रमण रेखा, तो वो जो कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा ऋणात्मक बनेगा। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है तो वो जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो हम क्या कहेंगे कि जब परिभ्रमण रेखा घड़ी के दिशा में चलती है, ये घड़ी के दिशा ऐसा होता है, ऐसा ये वाली घड़ी के दिशा में चलती है, तब जो एंगल बनता है वो हमारा नेगेटिव यानी ऋणात्मक कोण बनता है, और घड़ी के जब उल्टा दिशा में चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो जो कोण बनता है उसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि जब परिभ्रमण रेखा घड़ी के दिशा में, और घड़ी के दिशा को अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में चले तो जो कोण बनती है वह ऋणात्मक कोण यानी ऋणात्मक कोण कहलाती है। और यही चीज जब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है, जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है तो वो आपका क्या कहलाता है धनात्मक कोण कहलाता है। तो मैं यहीं पे कह देता हूं, क्या आप इस डेफिनेशन को इसी तौर पे लिख लीजिएगा, अगर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में, तो एंगल जो बनेगा वो ऋणात्मक बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अगर क्लॉक घड़ी के दिशा में चले तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले यानी घड़ी के विपरीत दिशा में तो वो आपका जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा, इन चीजों को देखिए। मैंने कहा ये आपका इनिशियल्स लाइन हो गया, आधी रेखा जो स्थिर रहती है, और ये आपका रिवॉल्विंग लाइन्स हो गया। अगर ये ऐसे चल रही है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही, एंगल क्या बनाएगी भाई साहब पॉजिटिव। अगर ये घड़ी के उल्टी दिशा में चल रही है, सॉरी घड़ी के दिशा में चल रही है,
तो नेगेटिव एंगल बनाएगी। आई होप कि आपको ये पूरी चीज समझ में आया होगा। और इन चीजों के बाद आती है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम होता है कोनों का माप कैसे करते हैं। ये जो कोण बन रही है डिफरेंट टाइप का जो एंगल बन रहा है अपने सामने, इसका हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो उस टॉपिक का जो मतलब चर्चा जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आप इतना चीज को समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसका हिंट्स दे देता हूँ। कोण का जो मेजरमेंट यहाँ पर किया गया है, कोण का मेजरमेंट दो तरह से किया गया है। एक रेडियन में किया गया है, कोण का जो मेजरमेंट किया गया है यहाँ पे वो दो तरीका से किया गया, साइन ऑफ एंगल नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल, MESURENENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के माप। तो जान लेते हैं कि कोण का माप यहाँ पे दो तरीका से किया गया है, पहली तरीका और दूसरी तरीका। कोण का माप यहाँ पे कितना तरीका से किया गया है? दो तरीका से किया गया है। एक को बोला गया डिग्री का मापन, डिग्री में किया गया, और एक किया गया आपका रेडियन में। एक किया गया है डिग्री में और एक किया गया है आपका रेडियन में। तो इन दोनों चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि डिग्री में कैसे माप करते हैं और रेडियन में माप कैसे करते हैं। मिनट कितना होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, सेकेंड किसको कहते हैं उनका भी चर्चा करेंगे हम लोग, डिग्री क्या होता है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, और रेडियन क्या होती है इसकी भी चर्चा करेंगे। पाई रेडियन का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे और कैसे होता है ये प्रूफ भी करेंगे। पाई एक अचल कोण होता है कैसे, ये भी मैं प्रूफ करूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको पूरा कर देंगे कि एंगल का जो माप होता है वो किस तरह से किया जाता है, और पूरा एक इजिली वे में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक डिग्री किसको कहते हैं, उन तमाम चीजों को, एक रेडियन किसको कहते हैं, सब चीज की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।